आज बात करेंगे प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये क्या होता है और जो प्लांट की ग्रोथ है इस पर कैसे डिपेंड करती है। देखिए, जो ग्रोथ ऑफ प्लांट होती है यानी कि जो प्लांट है फलते फूलते हैं वो कुछ स्पेसिफिक रीज़न में फलते फूलते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल हमने लिया है तो अलग अलग रीज़न के अंदर ये जो फलते फूलते हैं ये क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर होता है एक डिवाइडिंग टिश्यू होता है। तो एक डिवाइडिंग टिश्यू होता है उसके कारण ऐसा होता है। ये जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है इसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ये कहाँ पे लोकेट होता है, ये अलग अलग पॉइंट्स पे लोकेट होता है। तो जो जहाँ पे ये लोकेट होता है तो इसके कारण से जो है प्लांट जो फलते फूलते हैं और इसको डिवाइडिंग टिश्यू बोला जाता है इसीलिए, क्योंकि कुछ पोर्शन पे ये अवेलेबल होता है किसी प्लांट के। अब देखिए किस रीजन पे ये अवेलेबल है, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम इसको नाम दे देते हैं। तो इसको हम सबसे ऊपर, अगर ये रूट्स के पास मौजूद है तो इसको हम बोल देते हैं एपिकल मेरिस्टेम बोल देते हैं। अगर ये रूट्स के पास अवेलेबल है, ये क्या करता है कि इसके जो फल जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको फलने फूलने में हेल्प करता है। जो उनकी टिप्स होती हैं तो इनके पास ये होता है, जो टिप्स होती हैं तो उनके पास उनको ये फलने फूलने में हेल्प करता है। तो एपिकल जो मेरिस्टेम है वो टिप्स पे होता है, जो ग्रोइंग जो टिप्स होती हैं किसी भी स्टेम की और जो रूट्स होती हैं उन पे होता है। अब ये इंक्रीज करता है लेंथ, जो हमारा पेड़ है या पौधा है उसकी जो स्टेम है और या फिर जो रूट है उसकी इंक्रीज करता है लेंथ को। अब इसी तरह से अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ पे ये जो दिखाया गया है इंटरकैलरी मेरिस्टेम हम इसको बोलेंगे अब ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इसको नाम दिया गया है। ये इस रीजन पे होता है, किस रीजन पे होता है, जहाँ पे ये देखिए जो पत्ते की जो बिल्कुल कॉर्नर है या फिर नोड है, जैसे गन्ना आपने देखा होगा गन्ने के बीच में इस तरह से जो होती हैं अलग अलग उसकी जो पोरियाँ होती हैं, अब ये जो है ये इसको नोड्स बोलते हैं। अब इसी तरह से किसी पेड़ के अंदर ये जो नोड है तो यहाँ पे ये जो है हमारा ये प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये बेस ऑफ द लीफ यानी कि पत्ते के बिल्कुल बेस पे मौजूद होता है, या फिर इंटर नोड यानी कि एक से दूसरी नोड जो जोड़ रही है एक दूसरे को, ये जो नोड है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इसी तरह से अगर तीसरे की बात करें, जो हमारा होता है अलग अलग पोजिशन पर, देखिए दिखा रहे हैं हम इसको, इसीलिए इसको डिवाइडिंग टिश्यू बोला गया है। इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। स्टेम है ये हेल्प करता है जो इसकी थिकनेस है वो बढ़ाने में। तो लेटरल मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पे होता है, जो हमारा जो इसकी जो साइज बढ़ना होता है यानी कि इसके साथ साथ अगर इसका अंदरूनी पार्ट देखिए हम इस तरह से गोलाई में, तो इसका जो ये है जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, ये जो लेटरल मेरिस्टेम होता है ये क्या काम करता है, जो हमारा स्टेम है या जो रूट है उसकी गर्थ को इंक्रीज करने का काम यानी कि थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करता है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे देखिए अलग अलग तरह का मेरिस्टेम है और अलग अलग जो हैं ये फंक्शन करते हैं इस प्लांट के अंदर। अगर हम एक एक्टिविटी लें कि मान लीजिए ग्रोथ ऑफ रूट्स हमें देखनी है, दो हम ओनियन ले लें, एक पानी का जार ले लें, दोनों को भर लें और दोनों के अंदर ओनियन को रख लें। अब जो इसकी रूट्स हैं तीन चार दिन में हम देखते रहें कि बढ़ रही हैं, अब दोनों की बराबर बढ़ेंगी लगभग। तो अब जैसे ही आप क्या करें, एक दूसरे जार में से इसको काट दें, इसकी रूट्स को काट दें और फिर तीन चार दिन के अंदर इसकी ऑब्जर्वेशन देखें कि किसकी जो रूट हैं वो बढ़ेंगी या किसकी नहीं बढ़ेंगी। तो आप देखेंगे कि जिसको आपने काट दिया है उसका जो आपने ये एपिकल मेरिस्टेम है उसको काट दिया है। अब ये तो कुछ कुछ रीजन में ही मिलते हैं जैसे हमने बात किया, तो यहाँ पे आपने इस डिवाइडिंग टिश्यू को काट दिया तो यहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है नहीं होगी, यहाँ पे वो रुक जाएगी, लेकिन इसके अंदर वो चलती रहेगी क्योंकि इसके अंदर आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। तो इस तरह से अगर आप इनको काट देते हैं तो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग ये पाए जाते हैं, और अगर आप ये काट देते हैं तो इसकी ग्रोथ ही रुक जाती है। तो इस तरह से जो है आप इसको मेरिस्टेमेटिक जो है टिश्यू है इसको समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लोपे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।